गुड मॉर्निंग पापा। मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह गुड मॉर्निंग ना किया कर, राधे राधे बोला कर, जय श्री कृष्णा बोला कर। इस बहाने तेरी जुबान के ऊपर कम से कम राम का नाम तो आए। राधे राधे पापा। राधे राधे। जन्मदिन है तेरा पापा। अच्छा तो बता क्या गिफ्ट चाहिए पापा, कुछ भी दे दो, कुछ भी दिला दे। तो ये देखिए कैसा लगा। अरे पापा ये तो मुझे चाहिए थी, यही चाहिए थी। आपको कैसे पता चला? यही लेके आया। आपको कैसे पता चला मुझे? अरे हमें सब पता है कि तू क्या करता है, तेरे को क्या अच्छा लगता है, हर चीज के बारे में मैं ध्यान रखता हूँ तेरा। एक एक मिनट की खबर है मुझे तेरी कि तू क्या करता है क्या नहीं करता है। थैंक यू पापा। ठीक है पापा, रुपए दे दो। रुपए का क्या करेगा? मैं दोस्तों से पार्टी भी तो करूँगा। पार्टी भी करेगा? अच्छा कितने पैसे चाहिए बता। 10,000 रुपए दे दो। 200,000 रुपए चाहिए? ठीक है तेरे अकाउंट में डल जाएगी। ठीक है। अरे एक मिनट यहाँ सुन। हाँ पापा। कहाँ पे करेगा पार्टी? पापा बस स्टैंड पे होटल खुला है ना, नॉन वेज किंग। नॉन वेज किंग के अंदर जाएगा? अरे बेटा वहाँ तो नॉन वेज मिलता है। पापा मेरे 2-3 दोस्त हैं जो नॉन वेज खाते हैं। अरे नहीं नहीं गलत बात है। देखिए ऐसा है कि एक तो तुम जो जन्मदिन मनाते हो उसके अंदर जो केक का दुरुपयोग करते हो, तू मेरे को पिछले दिनों जो वीडियो दिखा रहा था ना जब तू अपने दोस्त के जन्मदिन पे गया था, ऐसे केक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए बेटा। खाने की चीज का हम जो दुरुपयोग करते हैं उससे परमात्मा नाराज होता है। और दूसरा नॉन वेज होटल में जाएगा? नहीं कभी नहीं जाना नॉन वेज होटल में जाना, क्योंकि हम नॉन वेज नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। एक बात बता, अगर मैं चक्कू लेके तेरा हाथ काटूं तो तेरे को दर्द होगा? तो बेटा वो भी तो जीव हैं। तुम जो बकरे को मुर्गे को जो मार के उनका खून निकालते हैं और उनको भूनते हैं उनको उबालते हैं तो उनको दर्द नहीं होता? बड़ा दर्द होता है। तू ऐसा कर, आज का दिन तू मुझे दे, तेरा जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करना है तू मुझे दे, मैं तेरे को इतने अच्छे से तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करके दिखाऊंगा कि तेरे को बड़ी खुशी होगी। ठीक है तो तू रेडी होके नीचे गाड़ी में आ जा, जन्मदिन कैसे बनाते हैं आज तेरे को मैं दिखाता हूँ। ठीक है यहाँ आ जा बेटा, पहले तेरे को यहाँ से केक दिलाते हैं फिर सेलिब्रेट करेंगे। राजू भाई दो अच्छी क्वालिटी के केक दे। देख ये सब दोस्त हैं तेरे आज से। ठीक है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर, चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सभी बोलो तेज बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये केक ऐसे उठा और इन बच्चों को खिला, खिला इस बच्चे को खिला, वो भी ले खिला, अच्छे से खिला दोनों हाथों से सभी को, और काट काट के सभी बच्चों को दे। और तुम क्या करते हो, केक का अपमान करते हो, सारा केक अपना मुंह पे लगा लेते हो, कपड़ों पे लगा लेते हो। बेटा ये खाने की चीजें हैं, इनका ऐसे अपमान नहीं करना। अब देखो आप इन बच्चों के चेहरे की खुशी देखो, ये देखना ये देख कितना खुश है, देखा। इनको खिलाओगे ना, छोटे बच्चों को खिलाया करो, तुम केक को खराब कर देते हो। खिलाओ फटाफट दो, ले आप भी ले अंकल, आप भी ले। आकर ये ले आ बेटा मनु, ये ले तू भी खा ले आकर तू तैर सीधा। अरे वाह अब सोच तुम बर्थडे पे क्या करते हो, सारा केक अपने मुंह पे लगा लेते हो, कपड़े खराब कर लेते हो, खाने की चीज को खराब करते हो ना। ये देख कितने खुश हुए। आज के बाद याद रखना अपने सभी दोस्तों को यही बोलना कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो कहाँ पे, झुग्गी में जाके गरीब बच्चों के साथ। देख कितने खुश हो गए। अब इनके लिए कोल्ड ड्रिंक दे, इनको जूस पिला इनको, अपने हाथ से सबको दे। ले पकड़ो बेटा, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। आप भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो नॉन वेज की तरफ ना जाए, वो ऐसे वैसे कार्य ना करें। मैंने तो अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, अब आपकी बारी है। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी को पता लगे कि जन्मदिन कैसे बनाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद।